चलिए हम आपको ही ले चलते हैं खेल जगत की ओर। खेल जगत की बात की जाए तो आज युवा जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं खेल जगत के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो। ऐसे में हम आपको भिवंडी की ओर ले चलते हैं, जहां पर हाफिज नगर क्षेत्र में हीरो विनर कबड्डी टूर्नामेंट जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार चलाया जा रहा था। इस कबड्डी टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जहां पर आज इसका फाइनल मैच संपन्न हुआ, जिसमें हम आपको बता दें कि 11 स्टार जिसने फर्स्ट प्राइज यानी कि प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया, द्वितीय पुरस्कार TX स्पोर्ट जिसे सेकंड प्राइज दिया गया। इस कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवक और जो कि NCP के कार्यकर्ता हैं बबलू भाई, साथ ही साथ NCP के सह सचिव भिवंडी सर जाहिद शाह की उपस्थिति में वहां पर सब जो फर्स्ट और सेकंड प्राइज के विजेता थे उन्हें मेमेंटो देकर उनका सम्मान किया गया। ऐसे में हीरो विनर कबड्डी टूर्नामेंट के जो आयोजक संयोजक थे शादाब खान, अम्बार खान, अबुजामा शाह सहित उनके कई मित्रगण इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। वहां पर मान्यरों का जो स्वागत है वो वाकई तारीफ़ काबिल हुआ। वहां पर आतिशबाजी करके मान्यरों का स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रो कबड्डी के अंदर विशेष तौर पर भारी तादाद में युवा देखने को मिले। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। थोड़ी लपक चपक थोड़ी लचक लचक आया मटक मटक मैंने दिया पटक अरे लटक दिया पटक दिया पटक दिया पटक दिया ले पंगा 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 ले छल कपट कपट दिल धड़क धड़क थोड़ी लड़क झड़क मैंने लिया हाड़ा अरे ले पंगा 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 ले पंगा 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 ले पंगा ए कबड्डिया दाल मेरा मुच्छा लाल लाल से पकड़ी पटकी पटकी हुई कुसुर कुसुर चला इधर उधर मैंने खींची टांग वो गया पसर अरे पसर गया पसर गया पसर गया पसर गया पसर गया पंगा पंगा ले पंगा ले चुमक चुमक फिर दिनक दिनक किया गजब गजब मैं गया खिसक अरे ले पंगा खिसक लिया खिसक लिया खिसक लिया ले पंगा 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 ले पंगा ले पंगा स्टार स्पोर्ट्स प्रो। मैं तो पहले यहाँ पे आए हुए सारे लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो युवाओं ने ये हौसला अफजाई किया है और इनके हौसले को हम बुलंद रखेंगे। ये आज यहाँ खेले हैं, कल स्टेडियम में खेलें, RR पाटिल में खेलें, जहां भी खेलेंगे हमारा जो भी योगदान रहेगा इनके पीछे हम करेंगे, और जहां इनको मेरी ज़रूरत पड़ी वहां हम आएंगे। और हमारे पार्टी के जो भी लोग हैं राष्ट्रवादी के, इसके लिए जहां जहां भी जो भी ज़रूरत इनकी पड़ेगी इनके कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। और जहाँ भी किसी भी तरह की ये कबड्डी टूर्नामेंट के अलावा भी इनको कहीं हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पहुँचने की पूरा पूरी कोशिश करेंगे। इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये 11 स्टार जो फाइनल जीती है मैं इनको और बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा। इसी तरह ये 11 स्टार कहीं भी खेले तो ये इसका स्टार चमकता ही रहे, मैं यही बोलना चाहूँगा इंशाल्लाह। और ये स्टार ये बच्चे जो देख रहा हूँ मैं, ये स्टार चमका के ही रहेंगे इंशाल्लाह, ये स्टार का स्टार ही नाम रह जाएगा। सर क्या कहेंगे, देखा जाए तो पूरे इस कबड्डी टूर्नामेंट में आपका नाम काफ़ी गूंज रहा था यहाँ पर, और जो हीरो विनर टूर्नामेंट का यहाँ जो कबड्डी का आयोजन किया गया है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, देखा जाए आप भी एक युवा हैं। मैं सब युवा को अपनी तरफ से शुभकामनाएं करना चाहता हूं, और यहां पे जो टूर्नामेंट कराए हैं इस्माइल और दो तीन उसके साथी जो हैं 3-4 लोग, उन सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। वो सब बड़ी मेहनत किए हैं, इनकी मेहनत की, और जो आज जो उनका शुभकामनाएं मतलब जो उनका मैच हुआ है अच्छा एकदम शांतिपूर्वक मैच हुआ है, ऐसा मैच के लिए अगर ये हमको जहाँ बुलाएंगे हम उनके लिए हर जगह आएंगे, और इनका आगे भी जो मैच अभी 15 तारीख को होने वाला है वो भी मैच में मेरा पूरा योगदान रहेगा और पूरा सपोर्ट रहेगा, जब हमको जहाँ बुलाएंगे हम लोग आएंगे। जैसे कि हम लोग 1 हफ्ते से पहले प्लानिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट करने के लिए,
फिर उसमें हम लोग कुछ टीम को फॉर्म दिए, 16 टीम का टूर्नामेंट रखे, उसके बाद उसमें से 8 टीम आई और जो टीम आई मजबूत अच्छे लेवल पे, स्टेट लेवल पे मतलब अच्छे लेवल पे खेलते हैं, सब मजबूत टीम है। और इसमें हमारे जाहिद भाई का भी बहुत सपोर्ट था और रेफरी हमारे शादाब भाई थे और मोहल्ले का हमारा पूरा सपोर्ट था, कोई टेंशन की बात नहीं। और सबसे बड़े इनके भाई, हाँ, चीफ गेस्ट बबलू भाई का भी सबसे बड़ा हाथ था ऊपर थे। कितनी टीमों ने भाग लिया अभी तक? 16 टीम थी, इसमें से कुछ 8 टीम नहीं आई, 8 मैच हुआ। अच्छा, देखिए ये जो टूर्नामेंट कराया कितने दिन तक लगातार चला? ये 3 दिन तक का। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 15 तारीख से हम दोबारा ये टूर्नामेंट रखने वाले हैं और अभी इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पे, और जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा करने, और आपका सपोर्ट रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़, धन्यवाद।